नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जैसे बात की जाती है तो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्सटेंशन प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज का मीनिंग है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके जो कि किसी भी पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है, किसी पदार्थ की मात्रा के ऊपर जो निर्भर करती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन प्रॉपर्टी। एक्सटेंशन प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया कि पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करने वाले जो गुण होते हैं उन्हें एक्सटेंशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो मास है, वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सभी क्या माने जाते हैं, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी मानी जाती है। इंटरनल जिसको बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती हैं ये सिस्टम के मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक गुण मानी कि इसको मात्रा के आधार पर डिफाइन किया जाता है ये कि कितने हैं कितने नहीं हैं। दूसरी होती है इंटेंशन प्रॉपर्टी। इंटेंशन प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है कि पदार्थ की नेचर क्या है। तो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उसकी मात्रा कितनी भी हो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर ये निर्भर करती है। जैसे ताप है, दाब है, सांद्रता, द्विध्रुव आघूर्ण, अपवर्तनांक, श्यानता, पृष्ठ तनाव, मोलर आयतन, गैस स्थिरांक, विशिष्ट ऊष्मा, इनके द्वारा डिफाइन की जाती है, उन्हें कहते हैं एक्सटेंशिव इंटेंशिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंशिव और एक्सटेंशिव दो प्रॉपर्टी के द्वारा किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। इसके बाद में आती है स्टेट्स ऑफ सिस्टम, तंत्र की अवस्था। तंत्र की अवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो तंत्र की अवस्था क्या हो सकती है, तंत्र की अवस्था की जैसे बात करने के साथ ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब किसी तंत्र के गुण निश्चित हो जाते हैं तो उसकी अवस्था निश्चित हो जाती है। अर्थात कि उसकी अवस्था गुणों के आधार पर अवस्था को हम डिफाइन करते हैं तो तंत्र के गुण उस अवस्था पर निर्भर करते हैं कि उसमें कौन सी अवस्था उसके अंदर पाई जाती है। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मास, डेंसिटी, कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये जो जितने भी गुण हैं ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया है कि ये तंत्र के किसी भी सिस्टम के प्रॉपर्टी है, ये किसी भी तंत्र के निश्चित गुण हैं। इन गुणों में से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू गेस लो PV इज़ टू NRT में हम PVOT तीन कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। मानी उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में जब भी स्टडी की जाती है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी की जाती है। तो उसके बाद में आता है अवस्था प्लत। तो वे अवस्था चर जिनमें केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। स्टेट फंक्शन कौन होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं, पथ के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो इनिशियल स्टेट स्टेट वो हैं जो कि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन या स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। जैसे ΔE = E₂ - E₁, किसी भी तंत्र की प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा का अगर डिफरेंशिएट हम निकाल दें तो ΔE के बराबर हो जाता है, मानी कि ऊर्जा में परिवर्तन पता लग जाता है। ΔS - ΔH₂ - S₁, ये इसको मैं कह सकता हूँ ΔSF - ΔSI, मानी फाइनल एंट्रोपी में से इनिशियल एंट्रोपी को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास में एंट्रोपी चेंजेस मिल जाता है और वो स्टेट फंक्शन है। गिब्स फ्री एनर्जी ΔG = G₂ - G₁ या GF - GI, ΔH = H₂ - H₁, ΔH = H₂ - H₁, या इसको कह सकता हूँ ΔH = HF - HI, इसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं। तो जनरली स्टेट फंक्शन को हम जो डिफाइन करते हैं वो स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट को भी डिफाइन करते हैं, पथ से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो पथ के ऊपर निर्भर करते हैं उन्हें पथ फंक्शन कहते हैं, वो स्टेट फंक्शन है या पथ फंक्शन है। तो पथ फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कि ये बड़ा सम होता है। बड़ा सम का मतलब उस रास्ते में जितने भी सम होंगे उन सब के सम को जोड़ दिया जाए तब उस रास्ते के बारे में हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर पाते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म में उसकी स्टडी करते हैं। जैसे यू है तो यू में इंटीग्रेशन आई टू एफ डी यू, DU में जितना भी छोटे छोटे चेंजेस हुए उन सब चेंजेस को अगर समाकलन कर दिया जाता है तो ΔU के बराबर आ जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ ΔF - ΔUI, मैंने इंटरनल एनर्जी का अवकलन अगर कर दिया जाता है तो भी हम इसको, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द ΔU
इनिशियल इनिशियल टू फाइनल स्टेट तो हम डिफाइन करते हैं पथ फंक्शन के द्वारा। जो पथ फंक्शन होते हैं उन्हें हम ऊष्मागतिकी पथ फलक भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी पथ फलक का मतलब हो गया समाकलन ऊष्मागतिकी ऊष्मा पथ फलक या समा ऊष्मागतिकी पथ फलक के द्वारा डिफाइन इसको किया जाता है कि ये किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये उसका पार्ट होता है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे बात करते हैं तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू हो रहा है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित है, किसी भी परक्रम के बाद तंत्र वो परिपार्श्व में ऊर्जा कुल परिपार्श्व में कुल ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है। अतः यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कह सकते हैं कि क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू प्रदान की गई ऊष्मा और डब्ल्यू लिया गया या किया गया कार्य, ली गई ऊष्मा या किया गया कार्य, और तो किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा द्वारा बराबर होती है किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के, यानी किसी कोई वस्तु अगर ऊष्मा दे रही है तो उतनी की उतनी ऊष्मा कोई वस्तु लेगी। तो किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि या तो ऊष्मा, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में दो ही चीजें, या तो सिस्टम है या परिपार्श्विक है, सराउंडिंग है। जितनी ऊष्मा सिस्टम में अगर आएगी तो उतनी परिपार्श्विक से कम हो जाएगी, और किसी अगर सिस्टम से ऊष्मा जाएगी तो सिस्टम से कम हो जाएगी, परिपार्श्विक में उतनी बढ़ जाएगी। अर्थात ऊष्मा का एक्सचेंज किसके बीच में होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। अगर किसी भी सिस्टम के द्वारा किसी प्रोसेस में ऊष्मा त्याग दी जाती है, ऊष्मा बाहर निकाल दी जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेक्सोथर्मिक प्रोसेस। हेक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हो गया N2+3H2=2NH3+एनर्जी। जहाँ पर एनर्जी निकल रही है इस प्रोसेस में हेक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम भी कह सकते हैं इसको, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये होता क्या है कि इसमें ऊष्मा दी जाती, अब जितनी ऊष्मा दी उतनी की उतनी ऊष्मा सराउंडिंग द्वारा ली जाएगी। जब सराउंडिंग उसको ले लेगा तो ऊष्मा टोटल ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत रहेगी, मानी एनर्जी चेंजेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरह मैं बात करूँ N2+O2=2NO- एनर्जी, तो यहाँ पर अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आएगी? ब्रह्मांड मतलब कि यूनिवर्स से आएगी। तो यूनिवर्स से ऊर्जा जितनी ली जाएगी उतनी ऊर्जा इस रिएक्शन को संपन्न होने में सिस्टम के को प्राप्त होगी। अर्थात किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा मानी परिपार्श्विक, और जिसको कह सकते हैं कि आप ब्रह्मांड में परिपार्श्विक और सिस्टम के बीच में टोटल ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य होता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी की बात करें तो तंत्र में किसी परिवर्तन के लिए ऊष्मा ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा यू का मान तंत्र की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है हमारी। एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, इसलिए पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मा किस पथ से आई, किस पथ से गई है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, समस्त रूपांतरण में ऊर्जा का संरक्षण होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, उसमें कन्वर्जन एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ का ओबे किया जाएगा, एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ की पालना होगी। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में कैसे डिफाइन करें भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को? तो यू इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ पी एंड टी। देखो मैंने पहले बताया था पी वी टी, पी और वी और टी मैंने प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के द्वारा किसी भी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। लेकिन हम जब भी डिफाइन करते हैं तो एक फंक्शन दो फंक्शन ही हम साथ में लेते हैं, एक को हमें कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स जो इसमें फर्स्ट लॉ में हम बात करें फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कि मैं कहूँ कि डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डी पी, डी यू अपॉन डी पी विथ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डी पी प्लस डी वी अपॉन डी यू अपॉन डी टी विथ रेस्पेक्ट टू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि डी यू इज इक्वल टू क्या होगा ब्रैकेट में डी यू अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस डी यू अपॉन डी टी पी एट द रोट एट द विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। यानी कि यू इज द फंक्शन ऑफ, अगर एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट में कहूँ कि पहले वाले में तो हमने कह दिया वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरे वाले कहेंगे अब पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यू इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फलक होगी फिर। तो यू डी यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू डी वी प्लस डी यू अपॉन डी टी डी वी विथ रेस्पेक्ट
रेस्पेक्ट टू डी टी, ये इस द्वारा माने कि एक जब भी स्टडी की जाती है एक के एक को रेस्पेक्ट में दूसरे की स्टडी की जाती है, एक को कॉन्स्टेंट किया जाता है दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टडी की जाती है, और तीन वेरिएबल्स की जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है पी वी टी उसमें से एक वेरिएबल्स को हमेशा कॉन्स्टेंट रख के ये थर्मोडायनेमिक स्टडी की जाती है। तो यहाँ ये डिफाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है और थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में हम किस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अदर टर्मिनोलॉजी की जैसे इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। थैंक यू।